हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट वंडरिंग कपल। आज है हम गोवा में और आपको पता ही होगा कि हम लोग मुंबई से गोवा आए थे। आज हम जा रहे हैं बेनोलिम बीच की तरफ। सो बेनोलिम में ही हम लोग स्टे कर रहे हैं और वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ये बीच है। सो सुना है कि ये काफ़ी सेक्लूडेड और शांत टाइप की बीच है। देखते हैं जाके कैसा है यहाँ का बीच एंड कैसी है सैंड। चलिए आप भी हमारे साथ। सो ये है बेनोलिम बीच की पार्किंग। एम्पल अमाउंट ऑफ पार्किंग स्पेस अवेलेबल है यहाँ पे। और अभी हो रहा है सनसेट। हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली सनसेट देखने के लिए, बिकॉज बीच पे आए और सनसेट नहीं देखा तो फिर क्या देखा। सो शाम का टाइम है, 5:30-6 बज चुके हैं अभी। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत पार्किंग अवेलेबल है, काफ़ी एम्पल अमाउंट में है। पब्लिक यूटिलिटीज, चेंजिंग रूम भी अवेलेबल है यहाँ पे ऑन पेड बेसिस। सो गुड फैसिलिटीज़ आर एक्चुअली वेरी गुड एंड हम लोग जा रहे हैं अभी बेनोलिम बीच के तरफ और इस टाइप की एंट्री है पार्किंग से। और आप देख रहे हो दूर में वहाँ पे पैरासेलिंग भी कर रहे हैं कुछ लोग। सो थोड़ा आगे जाके आपको बताते हैं और इस टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे। डॉल्फिन ट्रिप, जेट स्की, बनाना राइड। सामने कुछ शैक्स भी दिख रहे हैं, लेट्स सी कैसा है अंदर। सो दिस इज द फर्स्ट व्यू ऑफ द सी। सुंदर। और यहाँ पे ये सब शैक्स भी है, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख के। इस बीच की भी वाइब थोड़ी डिफरेंट है ना, बहुत पीसफुल टाइप का है, बहुत ज़्यादा जनता नहीं है। सो गाइस देखिए अभी सनसेट होने वाला है और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये पूरा जो एम्बियंस है यहाँ पे। बहुत ही सुंदर। गोवा जितने भी बार आओ हर बार अच्छा लगता है, अमेजिंग है ना, क्या व्यू है। और कुछ लोग पैरा सेलिंग भी कर रहे हैं। सो आप देख ही सकते हो मेरे पीछे बेनोलिम बीच काफी सुंदर दिख रहा है और भीड़ नहीं है। सबसे बढ़िया बात यही है कि यहाँ पे भीड़ नहीं है, ज़्यादा नहीं है भीड़ और मस्त है, इतना अच्छा लग रहा है। और ऊपर से ये सीज़न ऐसा है जब गर्मी भी नहीं है, बहुत प्लेजेंट है, हवा थोड़ी सी चिली टाइप की है और बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। प्लस ऊपर से ये सनसेट हो रहा है, देखिए पीछे क्या सनसेट है, अमेजिंग। आज बहुत क्लियर है स्काई, सो होपफुली आज सनसेट भी दिखना चाहिए। और आपको और भी झलकियाँ दिखाते हैं इस बीच की। बहुत ही शांत बीच है, बहुत साफ सुथरा बीच है और यहाँ पे भीड़ तो बहुत ही कम है। जितनी भीड़ हमको बागा या अंजुना या फिर अपना कालंगूट वगैरह में, पैलेलम से भी कम भीड़ है यहाँ पे। अगर आपको साउथ गोवा के तरफ किसी बीच में आना है जहाँ पे भीड़ कम चाहिए तो ये एक बीच है जहाँ पे आप आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे शैक्स भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। बस ये अमेजिंग सनसेट, बहुत ही ब्यूटीफुल है।
बेनोलिम बीच पे काफ़ी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है। आप देख रहे हो यहाँ पे पैरासीलिंग हो रही है एंड पैरासीलिंग के चार्जेस भी काफ़ी रीजनेबल है। आप आराम से यहाँ पे आके टाइम स्पेंड कर सकते हैं। रात के टाइम में भी बेनोलिम बीच बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। यहाँ पे जगह जगह शैक्स बने हुए हैं जहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं, नाइट में पार्टी कर सकते हैं और कुछ अमेजिंग सी फूड का मज़ा ले सकते हैं। सो होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट वांडरिंग कपल।